को मदरपुर थाने के इलाके में गौतमपुरी फेज टू के इलाके में रहने वाले नेबर्स के बीच में एक झगड़ा हुआ, जिसमें अनिल और नितिन नाम के दो भाई हैं और उनका और अन्य साथी उनका मिल करके एक अशोक अलिया संजय नाम के व्यक्ति को चाकू मारा और चाकू मारने पर अशोक अलिया संजय इंजर्ड हुआ और अपोलो हॉस्पिटल में जब उसको भर्ती किया गया तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुआ, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। नितिन और अनिल, नितिन अभी उसको भी चाकू लगा है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसका भाई अनिल, ये सबको अभी ये सब अभी पुलिस इनको लाकर के पूछताछ कर रही है और इसकी गिरफ्तारी समय पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लगी। अब अभिता जी, आपके भाई के साथ कल क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। मेरे भाई के साथ कल झगड़ा हुआ, उसके बाद झगड़ा पीसीआर आई, सब शांत हो गया, सारा झगड़ा शांत हो गया। पीसीआर उन लोगों ने मेरी माँ को डंडा मारा, जिससे मेरी माँ के हाथ को फ्रैक्चर हो गया। पीसीआर वाले मेरी माँ को डाल के ले गए। हम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे थे माँ के पास हॉस्पिटल, इतने में ही विशाल अनिल का बेटा है जिससे झगड़ा हुआ था, वो आया, उसने हवा में 2 फायरिंग किए और सारी भीड़ इधर उधर तितर बितर हुई। फिर उसके बाद में मेरा भाई जा रहा था, मेरे भाई को बोला घर जाओ, घर जा रहा था, उसके पीछे भागा 5 आदमी, 3 औरतें, जिसमें कि 4 उसके चाचा थे, जिनका नाम है विनीत, अमित, मिथुन, निखिल, और 3 औरतें पूजा, मुस्कान, अंजलि। औरतों ने पैर पकड़े, आदमियों ने हाथ पकड़े और विशाल चाकू मारा था दबादब। कितनी बार चाकू मारा? 5 बार चाकू मारा उसे। और कितने लोग उसको पकड़े थे? 7 लोगों ने पकड़ा हुआ था उसको। अच्छा, 7 लोगों ने पकड़ा होता और 5 चाकू मारे विशाल ने, दबादब उसे चाकू मारे हैं। और पीसीआर वाले पुलिस वाले नहीं थे? पीसीआर वाले मेरी माँ को लेके चले गए थे। अच्छा, उनके हाथ में डंडा मारा, फ्रैक्चर हो तो पुलिस। कल रात कितने बजे की घटना? ये 11 बजे की घटना है। भाई की नाम क्या था आपके? अशोक उर्फ संजय। कितनी उम्र थी? 37 साल। और कितने बच्चे थे उसको? उसके 6 बच्चे हैं, अपने 3 है, 3 छोटे भाई के जो कि नहीं है इस दुनिया में। तो मतलब कुल 6 बच्चों का? 6 बच्चे को पालन पोषण करता था। जिनको मारा ये हाथ में फ्रैक्चर है। आपका नाम? मेरा गेला जी। गेला जी, आपके बेटे के साथ क्या हुआ है बताएं। मेरे बेटे के साथ में तुझे बता रही हूँ, ये थी वो टाइम पे हॉस्पिटल थी, ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटल में। आपको कैसे चोट लगी? मैं तो मैं जा गई हूँ और मैं खूब बाज रही, उंगलियाँ रखा हाथ में मुगदल सा। अब मैं कह रही भैया क्या कर रहे हो, बस इतनी तो कही है, इतने तो मेरे हाथ में इनके हाथ में मिथुन ने एक मारा। कब चोट लगी थी? मिथुन रात को 10 बजे लगी, पहले इनको चोट लगी फिर बाद में भाई का मर्डर किया। मेरे को लगी है पहले? पहले आपको लगी? पहले इनको चोट लगी फिर भाई का मर्डर किया उन्होंने। फोन कर दिया पुलिस वाला। ये इसके छोटे छोटे बच्चे, ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे पाल रहा अपने भाई के लिए। 6 बच्चे हैं, 3 भाई के, 3 अपने भाई। ये देखो आज मेरा उठ छीन लिया। कौन पालेगा इनको? 2 लड़के थे, एक पहले गुजर गया और एक अकेला वही था हमारे घर में कमाने वाला, कौन पालेगा उन्हें, कौन देखेगा हमें? इसके भी चोट लग रही है। आदमी का नाम सुभाष है, बीवी का नाम सोनू है, रात से उन्होंने अपने घर में छुपा रखा है, अभी हमने निकलवाए, अभी निकलवाए पड़ोसी को छुपा के। जी, क्या हुआ था आपके पति के साथ, हस्बैंड के साथ बताएं। कब? फिर क्या हुआ? चाकू मारे उन लोगों ने। किन लोगों ने? पड़ोसियों ने। अच्छा अच्छा, कितने बजे कल झगड़ा हुआ था? 10:30 रात में। कहाँ कहाँ चाकू मारा था? एक हमारे। अच्छा अच्छा, कहाँ पे ले गए आप लोग? आप लोगों को कब पता चला? वही जो थे हम लोग, वही थे हम लोग। फिर आप लोग कहाँ लेके गए उनको? बोला हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या बोला? खड़ी होना मौसी। मैं थी।